साथी आज तो ये मेजरमेंट लेके आए हैं, इनकी साथियों की भी हाइट को नापते हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में बताया गया था कि जैसा 5 फुट 2 इंच हाइट है आकांक्षा की। आपको साथियों की हाइट जितनी है यहाँ से देते हैं करीब 12 इंच का, तो इनका हील होगी जूते की जो पहनी हुई है। तो साथियों यहाँ रखते हैं और दिखाइए हाइट ऊपर की तरफ ले जाइए, देखते हैं तो कोशिश करते हैं और बताते हैं आपको क्या हाइट है। हाँ देखो मैं मैं किस तरीके से बैठती थी, मैं हमेशा बाइक के लेफ्ट में आती हूँ और अपना राइट लेग को घुमा के बैठती हूँ, और अगर आप देखेंगे मेरा जो पैर है वो यूजली आता नहीं है जमीन पर बिकॉज, और जैसे कि आपको पिछले वीडियो में भी बताया गया था सिटी बाइक होने की वजह से ये एक बहुत अच्छी कॉम्पैक्ट सिटी बाइक की तरह ये रॉयल एनफील्ड ने वाला अपना वर्जन निकाला है, जिससे इजीली पतली गलियों में और भीड़ भड़ाके में आप इस बाइक को नेविगेट कर सकें। तो मैं चलिए फिर आप एक लेके आइएगा। तो देखिए मेरी हाइट 5 फुट 6 इंच है, मेरे दोनों पैर इस बाइक पे बड़े आराम से आ रहे हैं कम्फर्टेबली, और अभी हम इसको चलाएंगे। 5 फुट 6 इंच के अंदर देखिए आप राइडर के दोनों पैर आराम से इस बाइक पर टिकते हैं दोनों तरफ। तो 5 फुट 2 इंच पर कोई दिक्कत नहीं, 5 फुट 6 इंच तो खैर बाइक को चला ही लेगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर संजीव वाशनी और मेरे साथ में है आकांक्षा माय डॉटर और मेरे सन इन लॉ माइंग, जो कि जर्मनी से आए हैं और एक महीने से बाइक को काफी चला रहे हैं। और मैं अभी पिछली वीडियो के अंदर इस बारे में मैंग की पूरी फीडबैक ली थी इस बाइक के बारे में। साथियों फिर आज कुछ एक वीडियो बनाते हैं, और जैसे कि मैंने लास्ट ईयर एक अपनी शॉर्ट हाइट की एक वीडियो बनाई थी, उसमें 5-6 लोगों को लाके बाइक को रन कराया, आज फिर थोड़ा सा कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं और आकांक्षा और मैंग के साथ में इस बाइक को ये चलाएंगे या देखेंगे कितनी कंफर्टेबल है, क्योंकि मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि एक ऐसी खूबसूरत बाइक रॉयल एनफील्ड ने बनाई है जिसकी पावर है 20.4 BHP और 27 Nm इसका टॉर्क है, 349 cc का इसका शानदार जे सीरीज का इंजन है जो कि कई बाइक में आता है, 350 इसके अलावा 350 वो है ही, अब अपलोड 350 और 350 में इस इंजन को दिया गया है, और नई आने वाली बाइक भी जो है 650 cc के अंदर भी इस टेक्नोलॉजी का रॉयल एनफील्ड ने बहुत अच्छे तरीके से इसको यूज किया है। तो साथियों एक बार रिव्यू करेंगे इस बाइक का, देखेंगे शॉर्ट हाइट के ऊपर ये बाइक किस तरीके से काम करते हैं। उससे पहले इस बाइक के हम कुछ मेजरमेंट करेंगे और आपको बताएंगे इस बाइक के क्या क्या टेक्निकल मेजरमेंट हैं। जैसे मैं पिछले बार आपको बताया था ये बाइक जो है इसकी लो सीट हाइट है, आकांक्षा एक बार इस बाइक को थोड़ा सीधा करेंगे, मैं थोड़ा हेल्प कराइएगा। ये देखिए हम एक लोएस्ट पॉइंट में लेंगे यहाँ पर, ये देखिएगा कितना हाइट बताइए, कितना नंबर आ रहा है, 790 क्योंकि पिछले वीडियो में बताया गया था कि जैसा 5 फुट 2 इंच हाइट है आकांक्षा की, और आपकी हाइट कितनी है, 5 फुट 6 इंच, तो इस मेजरमेंट से मेजर भी करेंगे और देखेंगे इनकी हाइट ये एक्चुअल में है या नहीं और ये कितना कम्फर्टेबली इस बाइक को चला पाते हैं। तो आइए मैं जी पहले आपकी हाइट को मेजर करते हैं, ऐसा ही एक रैंडमली करेंगे, ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा एक्यूरेसी में करनी है, कौन सा इनको क्या कहते हैं आर्मी और सेंटर जाना है कि हाइट का एक एक एमएम नापकर दिखाना है, बताएंगे आपको साथियों की हाइट कितनी है यहाँ से देते हैं करीब 12 इंच का, तो इनका हील होगी जूते की जो पहनी हुई है। तो साथियों यहाँ रखते हैं और दिखाइए हाइट ऊपर की तरफ ले जाइए, देखते हैं यहाँ पर देखिए 5 फुट 6 इंच से थोड़ा प्लस दिखा रहा है, तो जो शूज का जो सोल है 1/2 इंच का उसको माइनस करेंगे तो 5 फुट 6 इंच हाइट है। मैं जी आपका मेजरमेंट वैसे कैलिब्रेशन तो पता नहीं मेरे को ट्रस्टेबल है या नहीं है, बट ये बहुत अच्छा 5 मीटर का आपका ये मेजरमेंट है और इससे आपका हमने नाप आया 5 फुट 6 इंच आती है, कोई शिकायत नहीं, नहीं। मेजरमेंट सही है, अप्रूव करते हैं। तो साथियों हाइट का सर्टिफिकेट दे दिया इन्होंने 5 फुट 6 इंच इनकी हाइट है, और अब हाइट मेजर करेंगे आकांक्षा की, आकांक्षा आइएगा, तो कोशिश करते हैं और बताते हैं आपको क्या हाइट है। हाँ देखो मैं देखिए 5 फीट 2 5 फुट 2 इंच थोड़ा प्लस में आ रही है, इसका मतलब ये है कि 1/2 इंच 1 इंच का भी हम 100 ले सकते हैं। तो आकांक्षा आपकी इस मेजरमेंट जितने भी हाइट 5 फुट 2 इंच की कंफर्म कर दी है, और पिछले वीडियो के अंदर बताया गया था कई साथियों का कमेंट थे कि ये लड़की तो 5 फुट 2 इंच की नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं लड़की 5 फुट 2 इंच की है 5 फुट की नहीं है, तो देखेंगे ये कितने कंफर्टेबल तरीके से बैक जाते हैं। उससे पहले एक चीज बताना चाहता हूँ मैं आपको बैंक जी, आपको बताया कि इसकी जो रोड क्लियरेंस कितनी है, 150 mm, तो कभी क्या होता है जो गड्ढे ज्यादा होते हैं उसके अंदर ये बाइक बताते हैं कि ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, ऐसा कुछ है नहीं है, फिर भी एक बार मेजर करके देखते हैं। मैं जी क्या हेल्प करेंगे जी, बिल्कुल आप मेजर करके दिखाएंगे कितना है, उधर से करो एक बार उस साइड से,
आज तो राजा देखो ये पास भी दिखाइए कितने में मारा है, इतना दूर से रिकॉर्ड में नहीं आएगा इसको दोबारा। जी देखिए लगभग 15 सेंटीमीटर है। हाँ तो करीब 150 mm क्लियरेंस है, साथ में इसके अंदर प्रोटेक्टर भी लगा हुआ है। जी इंजन प्रोटेक्टर लगा हुआ है, सभी इसके अंदर 50 mm। तो साथ ही अभी देखिए मेजरमेंट कुछ करके दिखाया था, आकांक्षा की हाइट 5 feet 2 inches और मैं की हाइट 5 feet 6 inches और जैसे दिखाया रोड क्लियरेंस तो हमारी जो थी वो 150 mm है ही है और सीट की हाइट भी जो है 190 mm की है। तो साथियों अभी दिखाते हैं, नहीं खाते पहले आप से कौन बैग चलाएगा? मैं। अब मैंग जी डालेंगे तो क्या दिक्कत है पहले? कोई नहीं, पिछली वीडियो में मैंग ने चला ली, पिछली वीडियो में चलाऊंगी। ठीक है तो अभी डिसाइड किया है, पहले आकांक्षा जो जिनकी 5 feet 2 inches हाइट है ये पहले बाइक को चलाएंगे। तो साथ ही पहले दिखाएंगे किस तरीके से पोस्चर में बैठती है। तो आकांक्षा तैयार है आप? यस बिल्कुल, आप तैयार हो दिखाइएगा और शॉट लीजिएगा प्रॉपर तरीके से। आयुष देखिएगा प्रॉपर तरीके से आती है नहीं आती है। तो साथ ही तैयार है आकांक्षा बिल्कुल बाइक चलाने के लिए। आकांक्षा देखो वजन तुम्हारा कम है, बाइक का वजन बहुत ज्यादा है। कोई बात नहीं, 190 kg की बाइक है विद पेट्रोल जो है। यस फिर भी आप चलाओगे बाइक को? देखिए 5 feet 2 inches की लड़की है और इस बाइक को चलाएगी। देखिए बैठ के दिखाओ आराम से, ऐसा पूरा पोस्चर दिखाओ। तो मैं किस तरीके से बैठती हूँ कि मैं हमेशा बाइक के लेफ्ट में आती हूँ और अपना राइट लेग को घुमा के यहाँ बैठती हूँ। और अगर आप देखेंगे मेरा जो पैर है वो यूजली आता नहीं है जमीन पर, बिकॉज अब 5'2" जो हाइट है वो इतनी बड़ी तो है नहीं कि पैर जो है ज़मीन पर आ जाए। तो यूजली मैं इसका स्टैंड का सहारा लेते हुए ही बाइक को सीधा करती हूँ और फिर मैं स्टैंड ऊपर करके बाइक चलाती हूँ। तो जैसे आप देख रहे हैं अभी मैंने अपने पंजों पे अपने पैरों को रखा हुआ है और मेरे पैर जो है पूरे मेरे एड़ी नीचे नहीं आता है, हाइट इतनी छोटी है अभी। और जब कभी मुझे पीछे किसी को बिठाना होता है तो मैं यूजली स्टैंड लगाती हूँ और बोलती हूँ अपने को पैसेंजर को बैठने के लिए पीछे और फिर वो आके बैठते हैं और उसके बाद ही मैं बाइक को स्टैंड लगा के सीधा करती हूँ। तो अब सफ़र अपना चालू करते हैं और एक राउंड लगा कर आते हैं। और जैसे कि आपको पिछली वीडियो में भी बताया गया था सिटी बाइक होने की वजह से ये एक बहुत अच्छी कॉम्पैक्ट सिटी बाइक की तरह ये रॉयल एनफील्ड ने वाला अपना वर्जन निकाला है जिससे ईजिली पतली गलियों में और भीड़ भड़ाके में आप इस बाइक को नेविगेट कर सकते हैं। इसका टर्निंग पॉइंट बहुत कम होने की वजह से एक शॉर्ट हाइट बंदे के लिए ये बाइक चलाना बहुत ही आसान है। हमें मतलब 5'2" की हाइट पे अगर मैं इसको इजीली मोड़ सकती हूँ, पतली गली में यू टर्न कर सकती हूँ तो आई थिंक ये तो एक ब्लेसिंग है हमारे लिए। आप देख रहे हो कि किस तरीके से गाज़ियाबाद की ट्रैफिक वाली गलियों में इस बाइक को चलाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है क्योंकि ये इतनी हैवी ज़रूर है, 189 केजीज कम नहीं होता है, लेकिन जिस तरीके से जो है इसकी स्मूथनेस है, जिस तरीके से इसका कंट्रोल है, ये बाइक एक ट्रैफिक वाली सड़क में भी बहुत आसानी से कंट्रोल हो जाती है। मैंने जो है उसी सड़क पे जिस सड़क से हम आ रहे थे सड़क पे ही बहुत आसानी से यू टर्न कर लिया। एक छोटे पैर होने के बावजूद, पीछे को पैसेंजर का वेट होने के बावजूद भी एक शॉर्ट हाइट पर्सन के लिए ये बाइक को यू टर्न करना, घुमाना, नेविगेट करना ट्रैफिक जैसी सड़क पे बहुत आसान है। मैंने रॉयल एनफील्ड की क्लासिक भी चलाई है, क्लासिक 350 और मीटियर भी चलाई है और उसमें जो उनका टर्निंग पॉइंट है, जो उनकी हैवीनेस है, उस वजह से उस बाइक को मैं ट्रैफिक में नहीं चला पाती हूँ, मुझे दिक्कत होती है वो बाइक को नेविगेट करने में। बट हंटर 350 कॉम्पैक्ट होने की वजह से, इसकी पावर होने की वजह से, कंट्रोल और इसके टर्निंग पॉइंट की वजह से ये बाइक मैं आराम से ट्रैफिक में भी चला लेती हूँ। तो अगर आपकी शॉर्ट हाइट है मेरी जितनी, मतलब 5 से 5'3" के बीच में है और आप एक पावरफुल बुलेट बाइक लेने का सोच रहे हैं तो आई थिंक हंटर 350 एक बहुत ही अच्छी चॉइस हो सकती है आपके लिए।
तो आकांक्षा चला के आई है बाइक, कैसा मतलब फीडबैक? बढ़िया था बिल्कुल। और जैसे मैंने वीडियो में एक्सप्लेन भी किया कि एक शॉर्ट हाइटेड पर्सन के लिए गाजियाबाद जैसी ट्रैफिक फील्ड सड़कों पे किस तरीके से जो है मैंने नेविगेट किया, किस तरीके से कंट्रोल किया, उसी ट्रैफिक वाली सड़क पे यू टर्न लेकर आई और कैसे मतलब मैंने अपनी टांगों का इस्तेमाल किया, क्योंकि इतनी छोटी टांगें नीचे रीच नहीं होती है, तो क्योंकि कंट्रोल बहुत अच्छा है तो ईजिली नेविगेट हो गया, यू टर्न हो गया। तो आई होप जनता को पसंद आया मेरा एक्सप्लेनेशन। तो साथी देखा लड़की की हाइट है 5'2" और बहुत शानदार तरीके से एक शानदार बाइक, जानदार बाइक, बेहतरीन बाइक रॉयल एनफील्ड की हंटर 350, कलर है इसका रेवल ब्लू, 20.4 bhp पावर, 27 Nm टॉर्क चला के आई है और बहुत शानदार तरीके से इसको मैं साथियों मैं बता रहा हूँ कि 5'2" के अंदर इस बाइक को चलाने में कोई भी दिक्कत नहीं है। इससे कम हाइट का बंदा भी इस बाइक को चला सकता है। अरे एक लड़की चला सकती है तो भैया आप लोग कैसे चला सकते हैं? जैसे मेरी हाइट 5'4" की है, मैं तो अच्छे से ड्राइव करता हूँ। तो साथियों अब हैं मयंक जिनकी हाइट है 5'6" भैया मैंने मेजरमेंट करके अपना सर्टिफिकेट दिया हुआ दोनों को, कोई भी साथी ये नहीं कह सकता है कि इनकी हाइट में कोई वेरिएशन है। तो मयंक जी अब आप एक ड्राइव करिए, एक राउंड लेके आइएगा, देखिएगा किस तरीके से बाइक चलती है। तो मयंक जी चलिए फिर आप एक लेके आइएगा। तो देखिए मेरी हाइट 5'6" है, मेरे दोनों पैर एक बाइक पे बड़े आराम से आ रहे हैं कम्फर्टेबली और इसको चलाएंगे। 5'6" के अंदर देखिए आप राइडर के दोनों पैर आराम से इस बाइक पर टिकते हैं दोनों तरफ, बिल्कुल सही, बहुत एकदम बेहतरीन। तो मयंक जी जा रहे हैं ड्राइव करने के लिए अपनी हंटर 350। टर्निंग रेडियस भी काफ़ी सही है इसका, इजीली टर्न इन नैरो रोड्स विदाउट एनी डिफिकल्टी। राइडर को और पिलियन को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस बाइक पर बैठने में। तो मैं जी आप ड्राइव करके लाए हैं इस बाइक को जी, 5'6" में कोई परेशानी? बिल्कुल कोई परेशानी नहीं, इजीली दोनों पैर आ रहे हैं मेरे, आई कैन इजीली टर्न, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बाइक को चलाने में छोटे स्ट्रीट्स पर छोटे हाइट के लोगों के साथ, इट्स वेरी वेरी कंफर्टेबल टू ड्राइव। तो साथी देखो हमने अभी दिखाया, आकांक्षा आ जाइए इधर फ्रेम के अंदर। तो 5'2" पर कोई दिक्कत नहीं, 5'6" तो खैर बाइक को चला ही लेगा। हमने अभी जो 6 फुट की हाइट के लोगों को लेके नहीं आए, अगली वीडियो में कोशिश करेंगे कि ऐसी एक टीम बनाई जाए जिसमें सभी हाइट के और लोगों और इस बाइक को हम ट्राई करके फिर दिखाएंगे और आपको बताएंगे। तो साथियों जैसे कि 5'2", 5'6" में, 5'4" के अंदर इस बाइक के चलाने में कोई भी दिक्कत नहीं है। तो कोई ऐसा पॉइंट बताना चाहते हैं व्यूअर्स को? व्यूअर्स को यही बताएंगे कि अगर आप एक कंफर्टेबल अच्छा सस्पेंशन अच्छा कंट्रोल एक सिटी बाइक देख रहे हैं, वो भी पावरफुल सिटी बाइक, तो रॉयल एनफील्ड 100 350 को आप जरूर कंसीडर कर सकते हैं। तो साथियों ये शानदार वीडियो जो कि हमने रिकॉर्ड किया हाइट के ऊपर, जो कि कंसर्न था शॉर्ट हाइट की इस गाड़ी को चला सकता है, यही क्लोज करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने नियर एंड डियर सामने, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन आल्सो, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आए जब जब मैं अपनी वीडियो अपलोड करूं अपने चैनल के ऊपर। साथ ही मिलते हैं आपको किसी अगले वीडियो के, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय एंड टेक केयर।